सो चलिए आज हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके ऑल्सो वी आर रीडिंग वर्ब एंड इन वर्ब देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ओके कौन कौन? फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब एंड द सेकेंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। सेकेंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। Non-finite verb. तो now let us start. What is finite verb and non-finite verb? तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि finite verb क्या होता है और non-finite verb क्या ये क्या होता है। ये भी काफी बहुत ही आसान है। और इसको भी केवल समझने की जरूरत है कि finite और non-finite verb होता क्या है। ये भी आपके verb के कल हम लोगों ने पढ़ा transitive और intransitive verb के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे finite और non-finite verb के बारे में। ओके क्लियर है? तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके समझिएगा इस चीज को। मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से पहले सॉल्व करके देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब किसको कैसे पहचानेंगे। अभी मैं केवल आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसे हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं सपोज ये एक सेंटेंस मैं लेता हूं, आई राइट अ लेटर। एक और सेंटेंस मैं लेता हूं, ही राइट्स अ लेटर। ओके अनदर वन इज They write a letter. Okay. He is writing a letter. They are writing a letter. Okay. So, how many examples are there? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. I have written here 5 sentences for making you understand what is finite and non-finite. Okay. Yes, now, so analyze. First, you have to analyze the parts of speech. Okay. What is the parts of I? Pronoun, subject, very good. Subject, right here, subject. Okay. And the verb is? The verb is? V1. And? Likhta hun. Kya? What? So, ye pahle to aaye transitive or intransitive? Ye transitive or intransitive? Transitive verb. Kal jo padhaya wo clear hua. तो ये तो क्लियर हुआ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तो क्लियर हुआ। अब हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमें क्लियर करना है, ठीक है? तो अब आपको ये भी क्लियर चल रहा है कि आपका इसमें राइट वर्ब है हर जगह। क्या आपका वर्ब है आपके इसमें? आपका राइट आपका वर्ब है आपका, है कि नहीं है? राइट इसमें आपका वर्ब है। सो कौन सा राइट? ये राइट आपका फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट है? कौन राइट फाइनाइट है, कौन नॉन फाइनाइट है? यू हैव टू आइडेंटिफाई which right is finite and non-finite. So now, अब देखिए हम लोग कैसे इसको identify करते हैं finite verb को। देखिए ध्यान से ये दो sentence को देखिए, first and second को देखिए। I write a letter and he writes a letter. समझेंगे इसको बढ़िया से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही easy है, बहुत आसान है। तो ये है, बस concentration बनाए रखिएगा और सब बहुत ही आसान वे में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा right आपका finite है, कौन non-finite है। समझिएगा इस चीज को। I write a letter और he writes a letter, दोनों को सेंटेंस को बड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है? दोनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए।
आई मैंने आपको जो चार्ट मैंने लिखवाया था नॉमिनेटिव केस पजेसिव केस का, वो चार्ट थोड़ा निकाल लीजिए, याद अगर वो है तो ठीक है, नहीं याद है तो वो चार्ट थोड़ा निकाल लिया आप लोग, वो चार्ट निकाल लिए। अब उसमें बढ़िया से ध्यान से उसमें देखिए क्या है, आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है बताइए देखकर, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट रूप में है, तो आई हमेशा अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, भीवन, भीवन लिया, आई भीवन लेता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ यहां भीवन लग रहा, ध्यान देना है, फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर पर्सन है, हम भाई आई है एक है तो हम सिंगुलर ही ना है। तो ये जो आई है ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है आपका, ये आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगल पीस है, आई है, ठीक है। तो अब इस सेकंड देखिए, ये आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये देख रहे ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझिएगा बढ़िया से, ये आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, ये आपका कौन सा पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। ये सिंगुलर की प्लूरल, ये भी सिंगुलर, और ये सिंगुलर की प्लूरल, ये भी सिंगुलर, दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन दोनों में बदलाव क्या रहा है, पर्सन का बदलाव आ रहा है कि एक फर्स्ट पर्सन एक सेकंड। अब देखिए ध्यान से, पर्सन बदले कि नहीं बदले, फर्स्ट से थर्ड हुआ कि नहीं हुआ, पर्सन बदले ना, तो पर्सन बदले तो देखिए यहां भी वन है और यहां क्या हो गया आपका भी फाइव, पर्सन बदला तो वर्ब का फॉर्म बदला कि नहीं बदला, बदला ना, तो क्या हुआ समझिएगा भैया से, यहां ध्यान से, पर्सन बदला फर्स्ट से थर्ड हो गया, सब्जेक्ट बदले, क्या बदले, सब्जेक्ट को मैंने चेंज किया, वर्ब अपने आप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वर्ब का फॉर्म बदला कि नहीं बदला, भी वन से भी फाइव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हुआ ना, जिसका फॉर्म जिस वर्ब का, जिस वर्ब का फॉर्म बदलता है अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जिस वर्ब का फॉर्म बदलता है उस वर्ब को क्या कहते हैं, उस वर्ब को क्या कहते हैं, उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, कौन सा वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिस वर्ब फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, जिसका या तो नंबर से नहीं तो पर्सन से, किसे, या तो नंबर से, ये सिंगुलर नंबर है, ये भी सिंगुलर नंबर है, नंबर से तो इसमें दोनों आपके सिंगुलर हो गए, दोनों सेम हो गए नंबर से, हुए कि नहीं हुए, हुए ना, नंबर से दोनों सेम हुए, लेकिन क्या पर्सन से भी दोनों सेम है, पर्सन से आपके बदले, पर्सन से क्या बदला, वर्ब का, वर्ब का फॉर्म बदला ना, तो फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे, द वर्ब दैट चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या हुआ, क्लियर हुआ कि फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे हम लोग, कि जिसका सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के नंबर चाहे या फिर पर्सन, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो अपना फॉर्म बदल ले, जो अपना रूप बदल ले, भी वन से भी फाइव हो गया यहां पर, उसको क्या कहते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब। तो देखिए दिस टू सेंटेंस आर क्लियर और नॉट, ये दो सेंटेंस आपका क्लियर हुआ ना, कि जैसे आपका सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदला, वर्ब का फॉर्म भी आपका बदला, बदला ना। अब आइए नेक्स्ट में आइए, आई एम राइटिंग अ लेटर, समझेगा इस चीज को बढ़िया से, आई एम राइटिंग अ लेटर और ही इज राइटिंग अ लेटर, दो सेंटेंस को फिर देखिए, तीन सेंटेंस को देखिए आप, यू आर राइटिंग अ लेटर, सब में राइटिंग है। अब देखिए कैसे इसको क्लियर करेंगे, बताइए कौन फाइनाइट और कौन नॉन फाइनाइट, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन,
सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर, ही कौन सा पर्सन थर्ड पर्सन, यू कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन। अब देखिए आई के साथ क्या लगा यहां एम, खैर आई के साथ एम लगता ही है। ही को देखिए ठीक है, ही के साथ यहां पर क्या लगा आपका इज लगा। अब इज लगा यू को देखिए, ये थर्ड पर्सन और ये थर्ड और ये सेकेंड पर्सन, क्लियर है ना। तो देखे जैसे पर्सन चेंज हुआ ही से क्या हो गया यू, सब्जेक्ट बदले तो वर्ब बदला कि नहीं बदला, बदला ना। तो फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, जो अपना क्या बदल लेता है, जो अपना क्या बदलता है फॉर्म बदलता है, जो अपना फॉर्म बदलता है किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म बदलता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो अपना फॉर्म बदल लेता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए राइटिंग देखिए, यहां भी बिफोर, यहां भी बिफोर, राइटिंग का कोई फॉर्म बदला राइटिंग सब्जेक्ट बदला सब में, फाइनाइट वर्ब बदले बदले लेकिन बिफोर बदला। तो जो नहीं बदलता है, जो ढीठ रहता है उसे क्या कहते हैं, जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करे उसे नॉन फाइनाइट वर्ब, उसे क्या कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड देखिए जिसको देखिए, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, आई हैव ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, क्लियर कीजिए इसको। इसमें क्या आपका हुआ आई कौन सा पर्सन है, आई के साथ क्या आया है और हैव के बाद भीतरी, सब्जेक्ट बदले ये चेंज हुआ लेकिन ये बदला। तो जो नहीं बदले वो और जो बदल जाए वो, क्लियर हुआ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, क्लियर हुआ कि जो वर्ब। तो अब इसका डिफिनेशन भी आप लोगों को लिखना होगा खुद से ही, ठीक है। क्या लिखना है, द वर्ब डिफिनेशन को रटना नहीं है समझ लेना है, क्लियर है। वर्ब दैट चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और द वर्ब that doesn't change its form according to the number or person of the subject it's called non-finite. Any problem? No, no problem. Note it. So write the definition of finite verb. The verb that changes its form according to the number or person of the subject is called finite verb. नॉन फाइनाइट का लिख दीजिए आप लोग खुद से ही, क्या लिखिएगा द वर्ब, हाँ द वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और
portion of the subject. Clear? Write fast. देखिए फाइनाइट वर्ब की पहचान क्या है, समझिएगा इस चीज को. हाउ टू आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब, बहुत ही सिंपल तरीका में इसको समझा रहे हैं. फाइनाइट जहां पर भी वन रहेंगे, ध्यान देना फाइनाइट वर्ब होते कौन कौन है, भी वन, भी टू और भी फाइव. ठीक है, ये जहां रहेंगे आपके क्या होंगे, आपके फाइनाइट वर्ब होंगे. नॉन ये और इसका और फाइनाइट वर्ब का और क्या आपका है, जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, मतलब कि दैट मींस ऑल ऑक्सिलरी वर्ब, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं. कितने होते हैं, 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, 24 का 20 जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं. क्लियर है, फाइनाइट वर्ब होते हैं. इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, सन, शैल, विल, कैन, कुड, may, might, should, would, must, ought to, needs to, need, dare, सब जितने भी होते हैं आपके क्या होते हैं, ये आपके auxiliary verb, ये आपके sorry finite verb आपके होते हैं. क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, इसको याद रखिएगा, ध्यान देना. और भी नॉन फाइनाइट का भी कुछ आइडेंटिफिकेशन है, वो भी आपको लिखवा देते हैं. तो देखिए ये जो आपके है, ये फाइनाइट वर्ब के ये आपके एग्जांपल, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब. हम लोग फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ये उसका आपका एक है कि जहां पर भी वन रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये भी वन और यहां भी वन, फाइनाइट वर्ब में जो भी वन होता है वो फाइनाइट वर्ब भी होता है और भी वन नॉन फाइनाइट भी होता है. स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी कि सर कैसे पहचानेंगे, हाउ यू आइडेंटिफाई दैट विच भी वन इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. This is the main problem of student. Okay, ये student के लिए main problem है, but don't worry. Okay, with the help of example, we will identify which be one is finite and non-finite verb. With the help of example, we will solve it. But not today, tomorrow. Okay, आज हम लोग अब examples पर हम लोग आज नहीं चलेंगे, हम लोग कल चलेंगे. हम लोग एग्जाम्पल के आप लोग को सब एग्जाम्पल सेट दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा और उसी एग्जाम्पल से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कौन सा आपका ये कौन भर फाइनाइट है, कौन भर आपका नॉन फाइनाइट है. और आपके हेल्प के लिए आपके आपके ये सब जो हो गया, भी टू जहां रहेंगे वो आपका फाइनाइट हो गया, भी फाइव रहेंगे फाइनाइट हो गया. ये सब जितने ऑक्सिलरी वर्ब है, जहां ये ऑक्सिलरी वर्ब देखिएगा सीधे वहां पर आप आंख मूंद करके क्या आपको लिखना है, सीधे फाइनाइट वर्ब बनना है. जहां पर आपके भी थ्री रहेंगे, भी थ्री आपका नॉन फाइनाइट, भी फोर नॉन फाइनाइट. ठीक है, भी फोर टू प्लस भी वन, जहां पर टू के बाद भी वन रहेगा वो क्या होगा आपका, वो भी वन नॉन फाइनाइट कहलाएगा. वो भी वन क्या आपका कहलाएगा, जो भी वन टू के बाद रहेगा वो आपका नॉन फाइनाइट. समझे इस चीज को, कि ये आपका भी वन फाइनाइट है, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा भी वन वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा. और जो भी वन टू के बाद भी वन आएगा वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट. मॉडल वर्ब के बाद जो भी वन आएगा वो क्या होगा, हेल्प, वॉच, हियर, मेक, सी, बिड, लेट, ये सब के बाद आपके ऑब्जेक्ट आते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद आपका भी वन आता है. ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है, भी वन आता है और ये भी वन क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट. क्या होता है ये भी वन, नॉन फाइनाइट. और इसी को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव. अब ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको. बेयर इन्फिनिटिव जब इन्फिनिटिव पढ़ेंगे ना, इन्फिनिटिव के कितने टाइप्स होते हैं, तो इन्फिनिटिव के टू टाइप्स, बेयर इन्फिनिटिव एंड फुल इन्फिनिटिव. वो आपको उसको डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊंगा. अरे पढ़ाना क्या है जी, सिंपल है, जो टू के साथ जो भी वन होता है उसे फुल इन्फिनिटिव कहते हैं. उसे क्या कहते हैं, फुल इन्फिनिटिव.
जिस V1 के पहले क्या लगा होता है टू, जिस V1 के पहले टू लगा होता है उसे फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, उसे फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, और जिस V1 के आगे टू नहीं लगा होता है उसे क्या कहते हैं बेयर। बेयर मीन्स निगेटिव, खाली, नो और विदाउट टू। जिस V1 के पहले टू नहीं लगा होता है उसे क्या कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, सिंपल है। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, वो का मतलब ऑब्जेक्ट टू नहीं समझिएगा इसको। तो आप ये सारे हो गया V4 फॉर्म जिरंड, मतलब V4 फॉर्म इसी में ले सकते हैं आप, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहिए जिरंड कहिए, सब आपका हो गया। तो ये सब जो हो गए नॉन फाइनाइट के आपके आपके आइडेंटिफिकेशन हो गए, इसी के माध्यम से हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। कल मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा और फिर मैं समझाऊंगा कि कौन सा वर्ब फाइनाइट और कौन सा वर्ब नॉन फाइनाइट हो गया। क्लियर है? चलिए आज का क्लास आपको ओवर होता है।